हेलो डॉक्टर हेलो, डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पूछिए क्या पूछना। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। देखिए, पहले तो आप खुल के मुझसे बातें कीजिए। आप शर्माइए नहीं, क्योंकि आप अगर डॉक्टर से शर्माएंगे तो वो सारी बातें आपसे कैसे कर पाएगी, आपकी हेल्प कैसे कर पाएगी। डॉक्टर मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है और मेरी शादी को लगभग 1 साल होने वाला है और अभी तक हमारे कोई औलाद नहीं है। अभी हमने तैयारी भी नहीं करी ऐसी बात है। अच्छा। और अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, सुंदर वाइफ है, पर अच्छा, डॉक्टर एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पाता। इसकी खुश का मतलब मैं शारीरिक रूप से उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएंगे। जी आप ये बताइए कि आप अपनी वाइफ को कितना समय देते हैं। पूरा समय देता हूँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो मेरा मतलब वो नहीं है, जी मेरा मतलब है कि आप जब दोनों बेडरूम में अकेले होते हो तो उस वक्त आप अपने बीवी से शारीरिक संबंध बनाते हो, उस वक्त उसे कितना समय देते हो। तकरीबन 5-10 मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रूम में आए और अपनी बीवी से लिपट गए और सिर्फ सेक्स करने की जल्दी में आपने फटाफट सेक्स किया और अपने आप डिस्चार्ज हुए और वाइफ ऐसे छोड़ दी। लगभग तो ऐसे ही होता है डॉक्टर। ऐसा क्यों, कहीं आप किसी नशा का सेवन तो नहीं करते, जैसे मेरा मतलब है शराब, सिगरेट, अदर कोई नशा। सभी करते हैं आजकल, तो कभी कभी एंजॉय कर लेता हूँ। नहीं, शायद आप लोग नहीं जानते कि आपकी बॉडी पर नशा किसी भी तरह का हो, चाहे सिगरेट हो चाहे शराब हो, बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। इससे आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आती हैं। तो आप अगर इस तरह नशा करके अपनी वाइफ के पास जाएंगे तो आप तो उसे सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं आप। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं हाँ, आप नशे की ही, लत छोड़ दूँ। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको कि आप सिर्फ आके सिर्फ बीवी को ये ना समझिए कि मुझे सेक्स करना है, फटाफट जो है फारिग होना है। नहीं, आप फोर प्ले करें, उसे खुश करें, उसके साथ में बातें करें, बातें शेयर करें, मानसिक तनाव को अपने जीवन के बीच में ना आने दें। डॉक्टर मतलब आप ये बताइए कि मैं शुरुआत कैसे करूं और कैसे उसे अंजाम दूं। बहुत अच्छा सवाल है। कहने का मतलब ये है कि जब हस्बैंड वाइफ एक रूम में अकेले होते हैं तो सिर्फ वो समय उनका एक दूसरे के लिए होता है। उसमें आपकी बाहर की प्रॉब्लम क्या है, क्या आपका तनाव है, क्या आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है, वो चीज़ें अपने बेडरूम तक ना लेके आए। और उसके बाद आप अपनी बीवी से प्यार करें, हल्का हल्का उसके गालों को सहलाएं, बालों को सहलाएं, हाथ में उसका हाथ लेकर बातें करें, तो उससे क्या होगा कि वो एक्साइटिंग होगी उसकी, आपकी तरफ। और जब आप सेक्स कर रहे होंगे तो उसमें आप दोनों को ही मजा आएगा। डॉक्टर एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या। जब भी मैं उससे सेक्स करने की शुरुआत करता हूँ तो नेट पे अपने मोबाइल में पोर्न फिल्में देख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ऐसे ही सेक्स करूँ, पर मैं कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन वो गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो आप पोर्न मूवी देखकर आप चाहते हैं कि अपनी वाइफ के साथ में आप इस तरह के रिलेशन बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ एक पोर्न स्टार हैं जिनका काम यही है सेक्सुअल फिल्में बनाना और मार्केट तक पहुंचाना, जिन्हें देखकर आप जैसे लोग बिगड़ रहे हैं, अपनी वाइफों पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो गलत है। क्योंकि एक हाउस वाइफ इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं चाहती कि उसका पति उसके साथ इस तरह की हरकत करे और सिर्फ अपने लिए सेक्स करे जिससे कि वो डिस्चार्ज हो जाए। और वाइफ जो एक साधारण है, हाउस वाइफ है, वो एक तरीके से अपने पति का प्यार पाना चाहिए। अगर आप उसके साथ में एक साधारण तरीके से सेक्स करेंगे, पति का प्यार देंगे, तो मेरा मानना है कि आप भी सेटिस्फाइड होंगे और वो भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन एक सवाल हो रहा है डॉक्टर। हाँ पूछिए। उसकी ख्वाहिश हमेशा यही है, जब भी हमने 1 साल में सेक्स किया है मैं उससे पहले सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, लेकिन आज तक मैं उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। वो शर्मा के
नजरें झुका लेती है, बोल तो कुछ नहीं पाती। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर की मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी और से ना संबंध बना ले। हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए कहीं और इन्वॉल्व हो। लेकिन आप कोशिश करें, आप कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें तो आप उसको अपना प्यार देंगे, अपनी तरफ ला सकते हैं, उसको गलत राह पे भटकने से रोक सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी होगी, सबसे पहले आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, बल्कि उसको सही हालत में जाके उससे बातें करनी है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है, फिर आप देखिए आपकी मैरिज लाइफ कितनी एंजॉयमेंट होगी। डॉक्टर टोटल मिला के मुझे आपकी तीन बातें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी। वो क्या? पहली बात नशे हाँ, छोड़ना पड़े, बिल्कुल। दूसरी बात अपनी बीवी को वक्त देना पड़ेगा, जैसे कि आपने बताया कि जाते ही मुझे सेक्स नहीं करना, हाँ। दिल की बातें करनी है, उसके होंठ, उसके गाल, हाँ। उसकी बॉडी सहलाना, सब कुछ। और तीसरा उसके प्रति मुझे वफादार भी रहना होगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे एक बात अभी तक छुपाई है। क्या? मेरा बात भी किसी पराई स्त्री से संबंध था, और अब आपकी बातों से लगता है कि वो मुझे तोड़ना पड़ेगा। हाँ, कभी भी इलीगल रिश्ते जो होते हैं वो अपनी मैरिज लाइफ को कभी सक्सेस नहीं होने देते। जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं और औरत में ढूंढ रहे हैं, वो आप अपनी वाइफ में ढूंढिए ना। ठीक है डॉक्टर, आज आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ गई, और मैं उम्मीद करूँगा कि हर आदमी अपनी पत्नी के साथ वफादार रहे। बिल्कुल। तो ये जो अवैध संबंधों के चक्कर में बढ़े तक होते नहीं होंगे। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू।